हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू आवर चैनल फ्रीकी पाठशाला। अब हम कर रहे हैं बिजनेस स्टडीज़। बिजनेस स्टडीज़ में हमारा चैप्टर चल रहा है स्टाफिंग, जिसमें मैंने आपको लास्ट करवाया था ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जिसमें मैंने उसका मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस आपको कवर करवा दिया था। तो उसके आगे उसके मेथड्स आज हम कवर करेंगे कि कौन कौन से मेथड्स हैं ट्रेनिंग देने के लिए, या फिर डेवलपमेंट क्या चीज़ है उसको आज हम कवर कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ज़्यादातर हमारा कंसेप्ट सारा कंप्लीट हो चुका है, तो मेरे ख्याल से आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो, अभी तो आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले तो चैनल पे विजिट कीजिए। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे है मेथड ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के क्या क्या मेथड्स हैं, इसके पहले हम इम्पोर्टेंस कवर कर चुके हैं। तो आगे मेथड में यहाँ पे देखो, कहते हैं कि ट्रेनिंग जो है वो हर एक लेवल में इसेंशियल पार्ट है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन का, चाहे टॉप लेवल है, चाहे मिडिल लेवल है, चाहे लोअर लेवल है, वहाँ पे एक इसेंशियल पार्ट रहता है ट्रेनिंग, कि ट्रेनिंग के बिना इम्प्लॉइज काम नहीं कर सकते, या फिर कर सकते हैं बट गलतियाँ ज़्यादा होंगी। तो ट्रेनिंग देने का मैनर क्या है, मेथड्स क्या क्या हैं? तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे है दो मेथड, फॉलोइंग आर द मेन मेथड ऑफ द ट्रेनिंग। पहला क्या है, ऑन द जॉब, सेकेंड क्या है, ऑफ द जॉब। तो पहला ऑन द जॉब ट्रेनिंग, सेकेंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। तो ये दो मेथड्स आज हम कवर करने वाले हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे सबसे पहले ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब होता है कि जब आप काम कर रहे हो ऑफिस में, तभी आपको ट्रेनिंग दी जा रही है। कौन ट्रेनिंग देता है, मेनली सीनियर्स को अपॉइंट किया जाता है, कि सीनियर्स आपने अपने जूनियर्स को, या फिर जो फ्रेशर्स अभी काम करने के लिए आए हैं, उनको ट्रेनिंग देनी है। जैसे कि आप यहाँ पे इमेज देख सकते हो, इमेज में भी यही दिखाया गया है कि जो इम्प्लॉइज हैं वो ऑन द जॉब ही ट्रेनिंग ले रहे हैं, ट्रेनिंग उनको मिल रही है, वो अपना काम कर रहे हैं, काम करते करते उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। तो यहाँ पे पढ़ते हैं, अंडर दिस मेथड द ट्रेनीज आर आस्क्ड टू डू अ पर्टिकुलर जॉब ऑन अ मशीन और इन अ वर्कशॉप और अ लेबोरेटरी। मतलब उनको कोई प्रैक्टिकल जॉब दे दी जाएगी। दे आर टॉट द टेक्निक ऑफ द ऑपरेटिंग अ मशीन ऑन यूजिंग टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। तो उन्हें सिखाया जाएगा कि इनको यूज कैसे करना है। तो इसका मतलब ऑन द जॉब, ऑन द ड्यूटी ही उनको सिखा दिया जाएगा कि क्या करना है और कैसे करना है, और अगर कोई सिचुएशन आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो उसको टैकल कैसे करना है, तो वो सारा कुछ ऑन द जॉब ही सिखा दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखो डेफिनेशन दी गई है जे बैटी की। जे बैटी राइट्स क्या लिखते हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग फॉर इट्स सक्सेस नीड्स अ प्रॉपरली ट्रेन्ड इंस्ट्रक्टर। प्रॉपरली ट्रेन्ड इंस्ट्रक्टर्स की जरूरत है हमें, मतलब जो सिखाएंगे, ठीक है। अदरवाइज एन इनएफिशियंट इंस्ट्रक्टर कैन प्रोड्यूस अ नंबर ऑफ इनएफिशियंट ऑफस्प्रिंग्स। मतलब अगर हमारे इंस्ट्रक्टर को कुछ नहीं आता होगा तो वो सिखाएगा क्या, ठीक है। तो उतने ही अगर वो इनएफिशियंट होगा तो हमारे इंप्लॉइज भी इनएफिशियंट ही रहेंगे, हमारे फ्रेशर्स भी इनएफिशियंट ही रहेंगे। तो यहाँ पे देखो आगे, अगर ऑन द जॉब आप ट्रेनिंग देना चाहते हो, मतलब कि आप ऑफिस में रहते हुए काम करवाते हुए ही ट्रेनिंग देना चाहते हो, तो कुछ मेथड्स आगे हैं। मेन मेथड्स ऑफ द ऑन द जॉब ट्रेनिंग आर एज अंडर। सबसे पहला यहाँ पे है इंडक्शन ट्रेनिंग, सेकंड है अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, थर्ड है इंटर्नशिप ट्रेनिंग। तो सबसे पहले तो इंडक्शन ट्रेनिंग देखो, इसमें क्या कहते हैं, कहते हैं इंडक्शन ट्रेनिंग मीन्स टू अक्वाइंट द न्यूली अपॉइंटेड एम्प्लॉइज विद देयर जॉब एंड द ऑर्गेनाइजेशन। तो मेनली उनको जब अपॉइंट किया जाता है तो उनको अपनी जॉब पे लगा दिया जाता है उस ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, जो भी उनका काम है उस पे लगा दिया जाता है। सो अंडर दिस द न्यू एम्प्लॉइज आर इंट्रोड्यूस्ड बोथ टू देयर सुपीरियर्स एंड सबॉर्डिनेट्स, सो दैट दे कैन वर्क विद देम एज अ टीम। तो उनको क्या किया जाता है, एक ग्रुप के साथ बांध दिया जाता है। मान लो एक ग्रुप काम कर रहा है पहले से, उसमें एक फ्रेशर को डाल देंगे ताकि वो ग्रुप के साथ साथ काम करता रहे, सीखता रहे, उसको नई नई टेक्निक्स मिलती रहें। तो इस तरह से एक नया बंदा, एक फ्रेशर भी सीख जाएगा। सो अपार्ट फ्रॉम दिस ही और शी इज इन्फॉर्म्ड अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स एंड द पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ही शी इज आल्सो इन्फॉर्म्ड अबाउट देयर ऑन अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो उसको पता चलता रहेगा कि मेरी अथॉरिटी क्या है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो उसे अच्छे से समझने को मिलेगा। ओके तो यहाँ पे आगे देखो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में क्या कहते हैं, कहते हैं इट रेफर्स दैट ट्रेनिंग मेथड वेयर द ट्रेनिंग इज पुट अंडर द गाइडेंस ऑफ द एक्सपर्ट टू अक्वायर द हायर लेवल ऑफ द स्किल्स। तो अप्रेंटिसशिप में हम एक एक्सपर्ट को अपॉइंट करेंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। ऑर्गेनाइजेशन में जब वो एक्सपर्ट आएगा तो वो इम्प्लॉइज को सिखाएगा कि काम कैसे करना है, किस मशीन को कैसे यूज करना है एफिशिएंट तरीके से, ताकि आप अपनी कॉस्ट बचा सको और ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट लेके आ सको। तो जनरली द इलेक्ट्रीशियंस, प्लम्बर्स एंड द आयरन वर्कर्स आर रिक्वायर्ड टू अंडरगो दिस ट्रेनिंग
इनको ट्रेनिंग दी जाती है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ट्रेनिंग द एक्सपर्ट इम्पार्ट कंप्लीट नॉलेज ऑफ द बोथ द थ्योरेटिकल एंड द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ द जॉब। तो दोनों चीज़ें सिखाई जाएंगी उनको, ठीक है, ताकि वो अच्छे से काम कर पाए। तो आगे थर्ड है हमारा इंटर्नशिप ट्रेनिंग। इंटर्नशिप ट्रेनिंग क्या होता है? तो अंडर द इंटर्नशिप ट्रेनिंग टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। देखो इंटर्नशिप ट्रेनिंग में जो हमारे टेक्निकल इंस्टीट्यूशन, मतलब कि बाहर का कोचिंग सेंटर हो गया, कोई बाहर का कोचिंग सेंटर हो गया, और हमारा बिजनेस हो गया, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो गई, वो दोनों मिल के हमारे इंप्लॉइज को, हमारे मेंबर्स को ट्रेनिंग देंगे, ठीक है। सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ट्रेनिंग इज टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन द थ्योरेटिकल एंड द प्रैक्टिकल नॉलेज। के बाहर से अगर वो कोचिंग लेगा उसको थ्योरेटिकल नॉलेज वहाँ से मिलती रहेगी, और वो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में आके उसको इंप्लीमेंट कर सकता है ताकि उसको प्रैक्टिकल वे में समझ आ जाए। ओके, सो द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इम्पार्ट ओनली द थ्योरेटिकल नॉलेज टू देयर स्टूडेंट, बट फॉर द प्रैक्टिकल नॉलेज दे आर सेंड टू द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो उन्हें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भेजा जाता है। तो लाइक वाइज द इम्प्लॉइज आर ऑलरेडी वर्किंग इन द बिजनेस इन्वायरमेंट आर सेंड टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फ्रॉम टाइम टू टाइम टू गेट द लेटेस्ट थ्योरेटिकल नॉलेज। तो जब कोई व्यक्ति काम कर रहा है, चाहे वो काफ़ी पुराने टाइम से काम कर रहा है, बट उसको भी टाइम टू टाइम ट्रेनिंग दी जाती है। क्यों दी जाती है? ताकि कोई नई अगर टेक्नोलॉजी आई है तो उसके थ्योरेटिकल पार्ट के बारे में वो वहाँ पे जाके समझ पाए और यहाँ पे आके इम्प्लीमेंट कर पाए, तो इसीलिए वे ट्रेनिंग दी जाती है। ओके, तो यहाँ पे हमने तीन ट्रेनिंग कर ली, एक तो इंडक्शन ट्रेनिंग, एक अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एंड थर्ड थी इंटर्नशिप ट्रेनिंग। तो ये तीनों जो ट्रेनिंग थी ये पार्ट है ऑन द जॉब ट्रेनिंग का। तो अभी हम करेंगे ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, कि अब हम ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं कर रहे, ऑर्गेनाइजेशन में नहीं बैठे, हमें बाहर कहीं भेज दिया गया है या फिर ऑर्गेनाइजेशन के ही किसी अलग से रूम में भेज दिया गया है, वहां सिर्फ हम क्लास अटेंड कर रहे हैं, उसे कहते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। मतलब जॉब करते हुए ट्रेनिंग नहीं मिल रही, हमें अलग से ट्रेनिंग मिल रही है। तो आगे है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। सो अंडर दिस मेथड द ट्रेनिंग इज इम्पार्टेड टू द ट्रेनिंग एट द प्लेस अदर देन द प्लेस ऑफ द वर्क। मान लो वो काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में कहीं, बट उन्हें ऑर्गेनाइजेशन से बाहर भेज दिया जाता है कि वहाँ पे हमारा एक स्कूल है, वहाँ पे हमारा एक कोचिंग सेंटर है, वहाँ पे हमारा एक कमरा है, ठीक है, वहाँ पे आपको बैठ के कोचिंग मिलेगी, ठीक है। पहले आपको 6 महीने की कोचिंग लेनी है, ट्रेनिंग लेनी है, इसके बाद आपको आके काम करना है। तो इस तरह से ये ट्रेनिंग दी जाएगी। सो द ट्रेनिंग इज गिवन इन द स्पेशल सेमिनार्स क्लासेज एटसेट्रा। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस ट्रेनिंग बोथ द थोरेटिकल एंड द प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन इज कन्वेड टू द ट्रेनिंग। तो दोनों थोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स सिखाए जाएंगे कि कैसे करना है, जैसे आपको यहाँ पे दिखाया गया है ना। तो ये ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है जिसमें कि ये एक बंदा एक्सपर्ट है, ये सिखा रहा है इनको कि काम को कैसे करना है, कैसे हेल्प करना है, ठीक है, साथ में थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल भी बता रहा है, ज़्यादातर ये थोरेटिकल इंफॉर्मेशन इनको दे रहा है। तो इसमें हमारे पास आता है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग का मतलब क्या है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक अलग से कमरा होगा, उस कमरे में अलग से मतलब जगह होगी जहाँ पे लेक्चर दे सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ना, एक अलग से कमरा बना हुआ है, बेंच वगैरह लगा हुआ है, एम्प्लॉइज यहाँ पे बैठ सकते हैं या मेंबर्स यहाँ पे बैठ सकते हैं, यहाँ पे एक एक्सपर्ट खड़ा होकर लेक्चर देगा ऑन द बोर्ड, ठीक है। तो बोर्ड पे लेक्चर देगा या फिर प्रेजेंटेशन वगैरह देगा, तो कुछ भी हो सकता है। तो एक अलग से कमरा डेवलप किया गया है, क्यों किया गया है, ताकि ट्रेनिंग दी जाए। सो अंडर दिस मेथड विद द व्यू टू इम्पार्टिंग द ट्रेनिंग टू द न्यू एम्प्लॉइज अ सेपरेट ट्रेनिंग सेंटर इज अ सेटअप। एन एक्सपीरियंस्ड एंड द ट्रेन ट्रेनर्स इज अपॉइंटेड एज अ इंचार्ज ऑफ द सेंटर। द मशीन्स टूल्स एंड द अदर इक्विपमेंट्स आर सो अरेंज्ड इन दिस सेंटर एज टू प्रेजेंट अ लुक ऑफ द वर्कशॉप। तो वर्कशॉप की तरह वहाँ पे एक माहौल क्रिएट किया जाता है ताकि उनको ट्रेनिंग दी जा सके और वो अच्छे से समझ पाए। ओके, सो सर आगे हमारे पास क्या आता है? तो आगे बच्चों आता है एम्प्लॉयज डेवलपमेंट, क्योंकि इसी में कंसेप्ट है तो इसीलिए कवर यहीं पे कर लेंगे। तो एम्प्लॉयज डेवलपमेंट, एम्प्लॉयज डेवलपमेंट में मेनली क्या होगा कि उनकी स्किल्स को डेवलप किया जाएगा, उनके आइडियाज़ को डेवलप किया जाएगा, उनके माइंड लेवल को डेवलप किया जाएगा। तो हर एक चीज़ को मेनली डेवलप किया जाएगा ताकि हमारा जो एम्प्लॉय है वो ग्रो कर पाए और हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी साथ में ग्रो कर पाए। तो द एम्प्लॉइज डेवलपमेंट मीन्स टू इम्प्रूव द ओवरऑल इफेक्टिवनेस ऑफ द एम्प्लॉइज एट देयर करंट पोस्ट एंड टू प्रिपेयर देम फॉर द हैंडलिंग द मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द फ्यूचर, ताकि वो आगे जाके ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके और ऑर्गेनाइजेशन के काम आ सके। सो इन अदर वर्ड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट HRD कंसेप्ट या फिर HRM कंसेप्ट क्यों बनाया गया है? ये इसीलिए बनाया गया है ताकि हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को कर सकें, मतलब हमारे जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनको कंट्रोल कर पाएँ। सो
इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज टू प्रिपेयर दोज टाइप ऑफ द मैनेजर्स हु नॉट ओनली परफॉर्म वेल इन द प्रेजेंट बट आल्सो टू एबल द हैंडल मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी एट द हायर पोस्ट इन द फ्यूचर. सो इन HRD मोर एम्फेसिस इज लेड ऑन द फ्यूचर देन ऑन द प्रेजेंट. तो फ्यूचर पे ज़्यादा जोर दिया जाता है कि फ्यूचर में जाके हमें ज़रूरत है आपकी, तो इसीलिए हम आपको अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं अभी. ओके, सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द फ्यूचर ओरिएंटेड प्रोसेस. तो इसीलिए इसको फ्यूचर ओरिएंटेड प्रोसेस भी कहा जाता है. तो जो हमारी HRD प्रोसेस होगी, HRD प्रोसेस हमारी फ्यूचर ओरिएंटेड प्रोसेस है. ठीक है, आपको ये क्वेश्चन आ सकता है. तो आगे इसके अगर फीचर्स पे एक बार नज़र डालें तो सर जल्दी जल्दी से करवा दो. रिलेटेड टू द मैनेजर, तो मैनेजर से रिलेटेड होता है मेनली. जो डेवलपमेंट की जाती है वो मैनेजर की जाती है मेनली, टॉप मैनेजमेंट की जाती है, तो इसीलिए मैनेजर के रिलेटेड हो गया. तो आगे मोर फोकस ऑन द फ्यूचर, तो फ्यूचर पे फोकस किया जाता है सर, हमने पढ़ लिया अभी. तो एम्फेसिस ऑन द ऑल राउंड डेवलपमेंट, तो यहाँ पे कोई एक तरह की डेवलपमेंट नहीं की जाती, यहाँ पे टेक्निकल डेवलपमेंट, माइंड लेवल की डेवलपमेंट, प्रेजेंटेशन डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन डेवलपमेंट, सारा कुछ किया जाता है मेनली यहाँ पे, ताकि उस एम्प्लॉई को बेटर बनाया जा सके. तो आगे मोर एम्फेसिस ऑन द एजुकेशन देन ऑन द ट्रेनिंग, तो एजुकेशन मेनली दी जाती है, ट्रेनिंग पे इतना जोर नहीं दिया जाता, यहाँ पे एजुकेशन दी जाती है ताकि वो बंदा मोर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सके, ज़्यादा स्किल्स कलेक्ट कर सके. ओके, सो यूज टू डेवलप द हिडन टैलेंट, जो हमारे अंदर छुपा हुआ टैलेंट है उसको निकालने के लिए यूज किया जाता है. आगे टू ट्रेन द इम्प्लॉइज फॉर एक्सेप्टिंग द चैलेंजिंग जॉब्स, आगे जाके वो चैलेंजिंग जॉब्स भी एक्सेप्ट कर पाए, इसीलिए उसको ये डेवलप किया जाता है, उसका माइंड लेवल ऐसा बना दिया जाता है. तो आगे ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स आर यूज, मेनली ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड यूज किए जाते हैं, अलग से सेमिनार क्लासेज वगैरह लगती हैं ताकि उनको अच्छे से सिखाया जाए. सो मोर एम्फेसिस ऑन द रीजनिंग एबिलिटी एंड द क्रिटिकल एवेल्यूएशन, तो अगर कोई दिक्कत आए, अगर कोई प्रॉब्लम आए इन द सिचुएशन, उनका माइंड लेवल ऐसे होता है कि उसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं अगर उनके हर रोज डेवलपमेंट कोर्सेज वगैरह लगते हैं तभी. ओके, तो ये इसके कुछ फीचर्स हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए. तो अगर इसकी नीड की बात करें तो नीड भी इसकी सिंपल है. ठीक है, आप एक बार पढ़ लेना, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है इसमें, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को झेलने के लिए, यहाँ पर टू प्रिपेयर द वेज टू द प्रमोशन ऑफ द मैनेजर, मतलब ये सारी अपने पास ज़रूरतें हैं किसकी, डेवलपमेंट की, कि डेवलपमेंट के बाद ये होगा. ठीक है ना, तो नीड फॉर द एम्प्लॉय डेवलपमेंट, क्यों क्यों ज़रूरत है. ठीक है, अपने तो ये हमारे पास नीड दिया गया है, नीड फॉर द एम्प्लॉयज डेवलपमेंट, के एम्प्लॉयज की डेवलपमेंट की क्या ज़रूरत आन पड़ी है, तो उसके बारे में सारा डिस्कस किया गया है. एक बार आप पढ़ लेना, आसानी है. तो आगे आपके पास दिया गया है डिफरेंस बिटवीन द ट्रेनिंग एंड द डेवलपमेंट, तो इनमें क्या डिफरेंसेस है. सो ट्रेनिंग इट इज़ द प्रोसेस टू इंक्रीज द बोथ नॉलेज एंड द स्किल्स, ये एक लर्निंग प्रोसेस है, ये तो उसकी नॉलेज इंक्रीज करने के लिए, उसकी स्किल्स को बढ़ाने के लिए, ये एक लर्निंग प्रोसेस है जो कि चलती रहेगी, कभी थमेगी नहीं. ओके, सो इट्स प्रोसेस इज टू डेवलप द, सो इट्स पर्पज इज टू डेवलप द स्पेशल स्किल्स रिलेटेड टू द जॉब. इसका मेनली पर्पज क्या है कि कुछ स्पेशल स्किल्स देना. इसका पर्पज क्या है, टू डेवलप द टोटल पर्सनैलिटी ऑफ द पर्सन, के हर एक चीज़ में वो पर्सन आगे हो, किसी भी चीज़ में वो पीछे ना रहे. सो इट इज़ अ जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस, इट इज़ अ कैरियर ओरिएंटेड प्रोसेस. ये तो एक जॉब के लिए होता है कि अगर उसको कोई चीज़ नहीं आती, मान लो एक मशीन उसने चलानी है, तो वो उसको एक मशीन चलाना सिखा देगा. बट यहाँ पे उसके कैरियर की बात हो रही है कि उसको पूरा डेवलप किया जाएगा कि उसने बात कैसे करनी है, उठना बैठना कैसे है, ठीक है, यहाँ पे बोलना कैसे है, तो वो सारा कुछ यहाँ पे सिखाया जाएगा, उसके डेवलपमेंट पे यहाँ पे काम किया जाएगा. तो आगे स्कोप क्या है, द स्कोप ऑफ द ट्रेनिंग इज अ लिमिटेड, इट्स स्कोप इज अ ब्रॉड. इसका स्कोप जो है लिमिटेड है, क्योंकि उसी जॉब तक सीमित है. इसका स्कोप जो है वो ब्रॉड है, अगर किसी और ऑर्गेनाइजेशन में भी जाएगा तब भी उसकी वो जो कोचिंग ली हुई है डेवलपमेंट की वो काम आएगी. सो इट इज़ रिलेटेड टू द वर्क, स्कोप ऑफ लर्निंग इज अ वाइडर, इट इज़ रिलेटेड टू द पर्सन. तो ये तो सिर्फ काम के लिए होता है कि काम के लिए उतना ही सिखाना है, बस ज़्यादा नहीं सिखाना, बट ये उसकी लाइफ के लिए होता है, तो रिलेटेड टू द पर्सन हो गया कि उसके कैरियर बनेगा इससे, क्योंकि उसको बोलना चलना, बैठना कैसे है, ठीक है, या फिर बात कैसे करना है, तो वो सारा कुछ इसी में सिखाया जाएगा. तो ये इसका कुछ डिफरेंस हो गया. तो आगे इसका जो छोटे क्वेश्चन हैं एक एक नंबर के, वो भी हम सारे डिस्कस कर लेंगे अगले वाली वीडियो में. इस वीडियो में बस इतना ही करेंगे. तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए सबसे पहले तो, और साथ में एक शेयर का बटन दिया गया है, शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए, और साथ में नीचे कमेंट भी कर दीजिए. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लिखिए नाइस वीडियो, और अगर आपको कुछ डाउट लगता है तो नीचे मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा. तो ऐसी ही वीडियोज़ हम लेके आते रहेंगे,
आगे भी ये कोर्स सारा चलता रहेगा और पूरी बिजनेस स्टडीज में आपको कंप्लीट करवा दूंगा अपने इस चैनल पे। और साथ में हमारा एक और चैनल है जीएसटी की पाठशाला का, अगर आप जीएसटी से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हो तो वहाँ पे आप विजिट कर सकते हो। अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगली वीडियो में मिलेंगे।